तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वाइजेक टूर का दूसरा दिन का जर्नी। और हमारे साथ हैं कैब वाले भैया, हाँ, वही जो अभी कार चला रहे हैं, और हम चार। ये जो कार है ये हमने पहले ही बुक किया हुआ था पूरे दिन के लिए, और आज हम लोग 6-7 सुंदर सुंदर लोकेशन कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा सबसे पहला लोकेशन है सिम्हाचलम टेम्पल। और अब हम सुंदर पहाड़ियों से होके सिम्हाचलम की ओर जर्नी कर रहे हैं। तो आज के इस शानदार जर्नी में हमारे साथ मजा लेने के लिए वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर एडिस ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Hey guys, welcome back to Edis Vlog. विशाखापट्टनम टूर का, वाइजेक टूर का आज हमारा सेकेंड डे है, और सेकेंड डे का फर्स्ट स्टॉपेज है हम लोग का सिम्हाचलम टेम्पल। यहाँ आने के लिए आपको हमने कैब पहले से ही बुक किया हुआ रहा था, बुक किया था, और जो कि क्या बोलते हैं, एक दिन पूरा होल डे का हमका हम लोग ने पैकेज लिया हुआ था, और उसका प्राइस है 2500। उसमें से अब पहला स्टॉप है यहाँ सिम्हाचलम टेम्पल, उसके बाद हम दूसरे जगह में जाएंगे। ऐसे हमारा 5-6 टूरिस्ट लोकेशन का पैकेज में है, तो धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे। पहले इस मंदिर के बारे में थोड़ी कुछ बता देते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है वो अलग किस्म का आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा हिली प्लेस में है, ये हिली एरिया है टोटली, और यहाँ पे पूरा हिल टॉप में है ये मंदिर। और यहाँ पे आने के लिए आपको कार एंट्री के लिए 30 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है, और इंसान के लिए ऐसे कुछ फी नहीं है, पर दर्शन करेंगे आप तो लाइन वाइज आपको कुछ फीस देना पड़ते हैं। जैसे कि आप फ्री दर्शन करते हैं तो आपको दूसरे लाइन जो कि जनरल लाइन होता है उसमें जाके आपको दर्शन करना पड़ेगा, और कुछ पैसा पेमेंट करेंगे, 300 रुपीज़ और समथिंग एक पेमेंट है जो आपको देने से आपको एक दूसरा लाइन मिलेगा जहाँ पे आपको टाइम सेविंग होगा। आप अगर घूमने आए हैं, लोकेशन अगर ज़्यादा कवर करना है और भी कुछ लोकेशन अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए आपको पैसे दे के दर्शन करना सही रहेगा, क्योंकि उससे आपको टाइम सेविंग हो जाएगा। तो ये है सिम्हाचलम टेम्पल और उसके नज़ारे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। सिम्हाचलम में भगवान का आशीर्वाद और वहां का खूबसूरती का आनंद लेके हम वाइजेक का ही और एक फेमस लोकेशन कैलाशगिरी के ओर रवाना हो गए। तो अभी हम लोग आए हैं कैलाशगिरी, और यहाँ पे एंट्री फीस था 50 रुपीज़ फॉर कार, फोर व्हीलर। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, आपको दिखाते हैं धीरे से। व्यू पॉइंट से आपको यहाँ का नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया है, तो आपको उस तरफ ले के चलते हैं हम। और यहाँ का जो व्यू पॉइंट है ये है, ऐसी खूबसूरती है यहाँ का व्यू पॉइंट से, यहाँ का जो नजारा है नीचे बीच का। सर इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इधर में हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ना, हाँ, इसको बोलते हैं टाइटैनिक व्यू। और टाइटैनिक व्यू, हाँ। अच्छा, तो टाइटैनिक पोज कौन देगा अभी? तुम दो था अभी, हाँ। वो जो एक्सीडेंट होने के बाद में ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, दिख भी रहा है ना वैसे ही। हाँ हाँ, तो ये टाइटैनिक, क्या टाइटैनिक पोज वाला व्यू था ना ये, यहाँ ऐसे बनते हैं। हाँ, ये देखिए टाइटैनिक पोज। पहले ये वाला पोज आप यहाँ पे दे सकते थे, पर यहाँ पे एक्सीडेंट के वजह से टूट गया है, तभी वो नहीं होगा। कैलाशगिरी पर्वत का बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, हमने देख लिया
तो चलिए अब अंदर जाके यहाँ का सबसे बड़ा एट्रैक्शन का दर्शन करते हैं। सर हाय आपको। और यहाँ दो लोग हैं, हम यहाँ पे कुछ अभी ठंडा वंडा पी लेंगे। यहाँ पे आपको सर्कुलर ट्रेन भी मिल जाएगा जो कि आपको केरला सिल के अंदर जो जो देखने लायक चीज़ है उसमें घुमाएगा। तो यहाँ से आप, ये टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर एसी एडल्ट के लिए 150, एसी चाइल्ड के लिए 100, नॉन एसी एडल्ट 100, नॉन एसी चाइल्ड 80 रुपीज़ करके है टिकट का प्राइस। और ये है ट्रेन यहाँ से जा रहा है अभी। तो यहाँ अंदर घूमने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं जो कि आपको मैंने प्राइस वगैरह कितना कितना फेयर है इसका मैंने बता दूंगा। ठीक है, अंदर देखते हैं, हम लोग भी ट्रेन में जाएंगे हो सके तो। और केरला सिल के अंदर ही कुछ कॉस्मेटिक्स से लेके आपने लड़की लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे ये लोग टोपी खरीद रहे हैं। तो चलिए अभी आपको कैलाशगिरी का सबसे खास और सबसे बड़ा एट्रैक्शन का दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा एट्रैक्शन है ये भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर स्टेचू जो कि 40 फीट है और यही है जो इस जगह को खास बनाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन सुंदर समंदर की ओर। हे गाइस, तो ये है वाइजेक टूर का दूसरा दिन का तीसरा स्टॉप और ये है ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच का ये साइड है, ये साइड इलाका, मतलब ये स्टॉप्स वगैरह है यहाँ पे। और आगे जाएंगे तो आपको बीच देखने को मिलेगा। चलिए आपको बीच के तरफ लेके जाते हैं। तो ये है गाइस ऋषिकोंडा बीच और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का जो ब्यूटी सीन है। यहाँ पे आप बोट सवारी कर सकते हैं, उधर है घोड़ा, बोट सवारी उधर कर सकते हैं, इधर आने से आप बोट सवारी कर सकते हैं। और यहाँ का जो माउंटेन्स है कुछ इस तरह, बीच साइड माउंटेन्स उधर भी है, आप देख सकते हैं वो रहे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। हमने तो कल ही नहा लिया तो आज नहाने का कोई सवाल ही नहीं बनता क्योंकि दूसरे जगह पे भी जाना है हमको, अभी एक्वेरियम वगैरह में जाना बाकी है। तो अगर यहाँ पे नहा लिया तो देर भी हो जाएगा और वो वाला एनर्जी नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पे आज नहीं नहा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य, सागर किनारे ये पुकारे।
ऋषिकोंडा बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम लोग चले गए अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो, एक असली जैसे दिखने वाला नकली दुनिया। और अभी हम लोग पहुंच चुके रामा नायडू फिल्म स्टूडियो। ये जो सीन है ये पीछे तरफ का सीन है, आगे बहुत कुछ हमने छोड़ के इधर आ गया है। और ये एक स्टूडियो जैसा है फिल्म स्टूडियो का। चलिए आगे दिखाते हैं आपको यहाँ का सीन। यहाँ का टिकट फीस है 60 रुपीस पर एडल्ट। और अगर आप फोटोशूट, मूवी शूट, शॉर्ट मूवी, गाना शूट करना चाहते हैं तो सबका फीस अलग अलग है। फैमिली विजिट के लिए ये एक एवरेज लोकेशन है। मूवी शूटिंग, वीडियो शूटिंग का बात करूँ तो यहाँ का कुछ हिस्सा टूटा फूटा है और कुछ हिस्सा बहुत ही प्यारा है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक बार ये जगह देख कर जाके प्लानिंग कर सकते हैं। रामा नायडू फिल्म सिटी के बाद हम पहुंचे GVMC म्यूजियम। पर दुख की बात तो ये है कि हम यहां अंदर वीडियो शूट या फोटो शूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सब अलाउड नहीं है। पर यहां पे देखने और समझने लायक बहुत ही खास चीज़ें रखी गई हैं जो कि आप ओनली 10 रुपीज़ टिकट फीस में देख सकते हैं। ये है INS कुरुसुरा सबमरीन म्यूजियम। यहाँ का एंट्री फीस है 40 फॉर एडल्ट्स, 20 फॉर चिल्ड्रेन, 50 फॉर स्टिल कैमरा, 200 फॉर वीडियो कैमरा। और अगर बच्चे ग्रुप में आते हैं तो एक बच्चे का एंट्री फीस होता है 10 रुपया। पर एक ग्रुप में मिनिमम 20 बच्चे होने चाहिए। यह सबमरीन 1969 में रशिया में बनाया गया था और 1970 में यह विशाखापट्टनम पहुंचा। 1971 इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान यह सबमरीन इंडियन नेवी के द्वारा लड़ाई में यूज किया गया था। इस म्यूजियम में आप एक सबमरीन का स्ट्रक्चर या फिर बनावटी और इसका फंक्शनलिटी या फिर ये कैसे काम करता है वो देख और जान सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान इसे जिन नेवी ऑफिसर्स ने या फिर जिन क्रू मेंबर्स ने इसे चलाया था उनका स्टैचू हम उनके डेजिग्नेशन के साथ सबमरीन के अंदर देख सकते हैं। We'll be right back.
आखिर में हम गए मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम मछलियों का दर्शन करने, जो कि INS कुरुसुरा सबमरीन म्यूजियम के बगल में ही है। यहाँ का एंट्री फीस है 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट, 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रेन, 20 रुपीज़ फॉर स्टील कैमरा, 50 रुपीज़ फॉर वीडियो कैमरा और 5 साल से कम एज का बच्चों का फ्री एंट्री। यहाँ आप तरह तरह के मछलियाँ देख सकते हैं। समुद्र में तरह तरह के भयानक मछलियों के साथ साथ कुछ प्यारी दिखने वाली मछलियाँ भी पाए जाते हैं। इस फिश एक्वेरियम में आपको वैसे ही कुछ भयानक और प्यारी समुद्री मछली देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा वाइजेक टूर दूसरा दिन का। भगवान का द्वार सीमाचलम टेंपल से लेके समुद्री तट का आवास तक का एक सुंदर जर्नी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ऐसे वीडियो और देखने के लिए एडिस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली ब्लॉग पे। कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लविंग एडिस ब्लॉग। बाय बाय।